हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 3 मई है, स्टार्ट करते हैं प्री क्योर। सो आज के वीडियो में हम हम्पी, नालसा जजमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, बेडू, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड माफन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर अवर टुडे 6 टॉपिक्स। सो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास हम्पी है, जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, जो कि हिंदू एम्पायर था। एंड इसमें जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं हम्पी में लोकेटेड हैं, जो इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो खिताब है वो मिला हुआ है। सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में ये लोकेटेड है। एंड 14th सेंचुरी का ये एम्पायर था हमारा विजयनगर एम्पायर। 1500 CE के अराउंड जो हम्पी थी उस टाइम पर माना जा रहा है कि इट वुड हैव बीन वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मेडिवल एरा सिटी। एंड बीजिंग उस टाइम पर नंबर 1 चल रहा था। एंड ऐसा हमें क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके अकाउंट्स देखें तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स जो कि विजयनगर एम्पायर को विजिट कर रहे थे। तो इसीलिए अगर जो सिटी है इट माइट हैव बीन इट्स एट इट्स ग्लोरी, पीक ऑफ इट्स ग्लोरी, इसी वजह से इतने लोग आ रहे थे वहाँ पर। एंड जो पर्शियन एज वेल एज पोर्टुगल ट्रेडर्स आ रहे थे, इनफैक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे थे टुवर्ड्स हम्पी या विजयनगर एम्पायर। तो इसलिए जो किंगडम था वो तो ग्लोरियसली जो आगे बढ़ ही रहा था। मोरोवर अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इट गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 CE में। एंड इस टाइम पर मुस्लिम सल्तनत थे जो इस टाइम पर बहमनी किंगडम था, जो पहले विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे उनका कंटेम्प्रेरी था। एंड उसके बाद जो बहमनी किंगडम था उसको डिफीट कर दिया गया था। एंड फाइनली गॉट डिवाइडेड इनटू 5 मुस्लिम सल्तनत्स, जिन्होंने बाद में मिलकर विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास GS2 में है नालसा जजमेंट। तो 2014 की ये जजमेंट है, विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसजेंडर पीपल। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या क्या निकल कर आए। पहली बात तो जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनको थर्ड जेंडर का स्टेटस मिला। इसके बाद जो इस जजमेंट के थ्रू अफर्म की गई फंडामेंटल राइट्स दैट आर ग्रांटेड अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वली एप्लीकेबल होंगी टू द ट्रांसजेंडर पीपल एज वेल। एंड इसी के थ्रू देवर गिवन द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो इस जजमेंट के थ्रू ये चीज़ आई है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो क्लॉज है वो आया है कि वो मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर कहाँ पर कैटेगराइज होना चाहते हैं, दे कैन डू बाय सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। एंड ऑल्सो जो सुप्रीम कोर्ट था, इट हेल्ड दैट बिकॉज ट्रांसजेंडर पीपल वर ट्रीटेड एज सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो इसीलिए उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जॉब्स में रिजर्वेशन भी मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नालसा जजमेंट से रिलेटेड। इसके बाद अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने एक जो मैरिज की प्ली थी एक मेल एंड एक ट्रांसजेंडर के बीच में उसको अप्रूव कर दिया है। तो इसीलिए एक काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग जजमेंट दी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नालसा जजमेंट एज वेल बाय द मद्रास हाई कोर्ट। तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी चीज़। इसके बाद हमारे पास GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये US ओन्ड यूटिलिटी है, जो कि हमें पोजिशनिंग, नेविगेशन एज वेल एज टाइमिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है। US एयरफोर्स इसको डेवलप, मेंटेन एंड ऑपरेट कर रही है। इसमें बेसिकली 3 सेगमेंट्स हैं, यूज़र सेगमेंट है, एक स्पेस सेगमेंट है एंड एक कंट्रोल सेगमेंट है। तो यूज़र सेगमेंट में तो जो वेरियस यूज़र्स हैं वो आ गए, स्पेस एंड कंट्रोल सेगमेंट्स को US एयरफोर्स कंट्रोल कर रही है। GPS सेटेलाइट्स जो हैं दे प्रोवाइड सर्विस टू सिविलियन एंड मिलिट्री यूज़र्स एज वेल। एंड अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अपना जो बेडू सिस्टम है उनका नेविगेशन सिस्टम, उसको काफ़ी अपेंड करने की कोशिश कर रहा है चाइना। एंड मोरोवर उसमें और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको उनके इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है। तो हम आगे देखते हैं किस तरीके से कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो GPS कॉन्स्टलेशन जो है, जो इसमें सेटेलाइट्स हैं, उसमें 24 सेटेलाइट्स हैं जो कि 6 ऑर्बिटल प्लेन्स में अरेंज्ड हैं। एंड जो GPS सेटेलाइट की ऑर्बिट की अगर हम देखें तो 12 आवर्स में एक जो पूरी कंटिन्यूस नेविगेशनल सिग्नल्स देते हुए एक सेटेलाइट ऑर्बिट करती है अर्थ को इन 12 आवर्स। तो हाफ अ डे में एक सेटेलाइट ऑर्बिट कर जाती है। द एक्यूरेसी ऑफ GPS हैज बिकम वेरी हाई एंड 30 सेंटीमीटर तक जो पिन पॉइंट करके बता सकती है, अराउंड 11.8 इंचेस आई गेस। तो इतनी ज़्यादा जो एक्यूरेसी बन गई है अब GPS की, इससे पहले इट वाज इन मीटर्स, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। इसके बाद हमारे पास बेडू है, जो कि चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। 35 सैटेलाइट्स हैं इसके कॉन्स्टेलेशन में, 2020 तक इसको कंप्लीट होना है। एंड अब ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्योंकि चाइना वांट्स के जो
इस सिस्टम से भी जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अटैच हों, इसके मेंबर्स बने, ताकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक रोड वो जो स्पेस रोड है वो भी इसके थ्रू बना रहे हैं, वन बेल्ट इन द स्पेस एज वेल। तो इस तरीके से देख रहा है चाइना बेडू को, ताकि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करें इसमें, एंड इट मे रिप्लेस फाइनली समडे द जीपीएस ऑफ यूएस। ठीक है जी। एंड इसके इसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो सेपरेट सेटेलाइट कॉन्स्टलेशन हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, तो आप देखते रहिएगा कुछ चीज़ अगर कहीं काम आ गई तो। एंड जो इसका स्पेस सेगमेंट है बेसिकली हाइब्रिड कॉन्स्टलेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ सेटेलाइट्स इन थ्री काइंड्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो जैसे उसमें सिक्स ऑर्बिटल प्लेन्स में है, यहाँ पर तीन तरह के ऑर्बिट्स हैं हमारे पास। एंड इन कंपैरिजन टू अदर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, जो हमारा बेडू है इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स होंगी इन हाई ऑर्बिट्स। ऑल्सो जो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पांच मेजर फंक्शन जो है कर रहा है बेडू। वन इज़ रियल टाइम नेविगेशन, उसके बाद रैपिड पोजिशनिंग, प्रिसाइज टाइमिंग, लोकेशन रिपोर्टिंग एंड शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज। एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसने अपना जो वर्चस्व है उसको बढ़ाया है। सबसे पहले बेडू वन जो था वो सिर्फ चाइना तक ही सीमित था, उसके बाद बेडू टू आया जिसने थोड़ी जो अपना एक्सपेंस है वो एशियन रीजन तक एक्सपेंड किया। इसके बाद जो हमारा बेडू थ्री है जिसकी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं 2020 वाला, ये ग्लोबल हो जाएगा, ये पूरी जो हमारी अर्थ है उसको कवर करेगा। ठीक है जी। तो इसको एज अ रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है, एंड चाइना इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ही इंक्लूड करके चाइना वांट्स टू डेवलप अ बेल्ट इन द स्पेस एज वेल, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास हाइपर एंड्रोजेनिज्म है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब क्या है, एंड्रोजन एक्सेस है इसका मतलब, यानी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो एंड्रोजन के लेवल्स हैं वो एक्सेस में आ जाते हैं इन द फीमेल बॉडी। ऑल दो जो हमारे एंड्रोजन्स होते हैं दे आर सेक्स मेल सेक्स हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन फीमेल्स में भी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। जो उनका फंक्शन अगर हम देखें तो क्यों प्रेजेंट हैं फीमेल्स में, बिकॉज दे फंक्शन इन लिबिडो एंड सेक्सुअल अराउजल एज वेल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो जाएं तो जो जेंडर जो अगर हम जेंडर क्लासिफिकेशन बोले तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा कहना है लोगों का। एंड अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुछ जो एथलीट्स हैं, साउथ अफ्रीका एक एथलीट है, आपको कमेंट्स में लिखना है उनका नाम, तो उनके ऊपर एंड्रोजेनिज्म के कारण कुछ ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सम पर्टिकुलर इवेंट, क्योंकि जो उनमें ये अब एंड्रोजेनिज्म एंड्रोजेंस का एक्सेस होने की वजह से शी इज़ ऑन अ बेटर फुटिंग एज कम्पेयर टू हर फीमेल काउंटर पार्ट्स, तो इसीलिए उनको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, ये कहना है IAAF का जो कि एथलेटिक बोर्ड है। ठीक है जी। एंड एक हमारी जो इंडियन एथलीट भी थी, आपको उनका नाम भी कमेंट्स में बताना है क्या उनका नाम था, शी ऑल्सो फॉट लीगल बैटल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कंडीशन ओनली। एंड ये एक एंड्रोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। सॉरी, द मोस्ट कॉमन कंडीशन एसोसिएटेड विद हाइपर एंड्रोजेनिज्म इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, जो कि एक एंड्रोजन एक्सेस की वजह से एक डिसऑर्डर है, सिम्टम्स इसी की वजह से आते हैं इस कंडीशन में, एंड इट मे इवन लीड टू कैंसर्स एज वेल। तो ये थोड़ा है तो डेंजरस ही काम, लेकिन अब इसी के पैरेलल जो डिबेट क्या छिड़ रही है कि एक माफन सिंड्रोम है जिसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका डिसऑर्डर है ये, एंड इसमें लोग जो हैं दे टेंड टू बी टॉल एंड थिन विद लॉन्ग आर्म्स लेग्स फिंगर्स एंड टोज। तो अब लोगों का कहना है कि अब क्योंकि इस सिंड्रोम की वजह से लेग्स जो हैं वो भी लंबी हैं एंड फिंगर्स एक्सेट्रा दे आर थिन एंड टॉल, सो इस वजह से उनको भी जो एथलीट्स हैं उनको दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर उनको भी एक्सेस में अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। तो क्या इस कंडीशन को भी हम बैन कर दें या इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस लगाए जाएँ, तो इसीलिए ये दोनों थोड़े न्यूज़ में है, सो वी आर डिस्कसिंग दैम। एंड MFS का कोई क्योर नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी जो डोमिनेंट जीन्स हैं उनका डिसऑर्डर है बेसिकली। इक्वली मेल एंड फीमेल जो हमारे जेंडर्स हैं दोनों सफ़र कर सकते हैं इसमें। मोरोवर दे हैव फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड स्कोलियोसिस, यानी जो कंडीशन इन विच जो पर्सन स्पाइन है साइडवेज कर्व, तो अनड्यू फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस वजह से। ऑल दो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, सम पीपल आर नॉट एडवाइज टू प्ले या पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स ड्यू टू दिस सिंड्रोम, लेकिन सम
देन इट मे बी टर्न द अदर वे अराउंड कि इसकी वजह से एंड्रयू जो एडवांटेज है वो भी मिल सकता है. एंड अदर कॉमनली अफेक्टेड एरियाज इंक्लूड लंग्स, आइज, बोन्स एंड कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये एरियाज अफेक्टेड हो सकते हैं ड्यू टू माफन सिंड्रोम. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. अब हम मिलेंगे मंडे को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं मंडे को. बाय बाय.